प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत। साल 2020 में दोनों मुल्कों के बीच सभी आयामों में और मजबूती लाने के लिए तेजी से काम करने का जताया भरोसा। भारत रूस रणनीतिक संबंध को और मजबूत करने की जताई मंशा। केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। याचिका में केरल सरकार ने कहा, कानून धार्मिक आधार पर करता है भेदभाव। दिल्ली हाई कोर्ट में शाहीन बाग कालिंदी कुंज सड़क जाम मामला। कोर्ट ने पुलिस को कानून के तहत और जनता के हित में काम करने को कहा। भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर भारत का वैश्विक सम्मेलन रायसीना संवाद आज से नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र में लिया भाग। 7 देशों के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों पर रखेंगे अपने विचार। जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर हुआ हिमस्खलन। पिछले 48 घंटों में बर्फीले तूफान में फंसे 3 सैनिक हुए शहीद, जबकि एक की हालत गंभीर। सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक व एशियन विकास बैंक ने 14,000 करोड़ रुपए किए हैं मंजूर। कहा, सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाना है जरूरी। जयपुर में सशस्त्र सेना के राष्ट्रीय गौरव सेनानी दिवस का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे भी रहे मौजूद। देश के विभिन्न हिस्सों में मकर संक्रांति पर्व की धूम। सूरज के उत्तरायण में प्रवेश करने पर मनाया जाता है ये त्यौहार। अच्छी फसल, खुशहाली और सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है ये पर्व। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी। 21 जनवरी तक भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र, जबकि 22 जनवरी को होगी पर्चों की जांच। अब खबरें खेल जगत से। गुवाहाटी में चल रहे खेलो इंडिया युवा खेलों में पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष पर, जबकि हरियाणा दूसरे स्थान पर काबिज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जारी।